दो शादियां और अब आस पड़ोस में रहने आ गई हैं उसकी दोनों बीवियां। अब आगे होगा क्या, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज हस्बैंड, श्वेता एंड मुबीन एज हिज वाइव्स विद अ सरप्राइज शादी गिफ्ट। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है डूब के जाना है। किसने लिखा ये? आग का दरिया डूब के जाना, और जब बंदा डूब ही गया आगे जाके रसगुल्ले खाने जाके उसने। आपको पता है ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? क्यों? एक्चुअली मेरी लव मैरिज हुई थी, मैं अच्छा भला घर चला रहा था, मेरे घर वालों को पता नहीं था मेरी लव मैरिज हुई है, और मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, अरेंज मैरिज, और मैंने भी नहीं मना किया। मैंने कहा चलो एक लड्डू खाया एक और सही। अच्छा, डबल सिम वाले मोबाइल भी तो आ ही रहे। पर अभी चक्कर क्या, दो लड्डू खा ले अभी मीठा ज्यादा हो रहा है। अच्छा। अभी तंग कर रहा है ये मीठा मेरे को। ऊपर से मेरा बाप हर जगह जुबान देके आ जाता है, उसी की वजह से शादी करनी पड़ी मेरे को, जहां भी जाओ जुबान देके आ जाता है। परसों एक बंदे ने उसकी टांग तोड़ दी, उसको जाके बोल के आ गया, कहता मेरा बेटा आके बदला लेगा। फिर मैं गया वहां, मेरी तोड़ी उन्होंने, फिर मैं भागा वहां से। ये तो शुक्र है भगवान का मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड भाग गई किसी और के साथ, नहीं तो मेरे को तीन तीन शादियां करनी पड़ती। बाप रे बाप, शुक्र हालांकि उसने मुझे भी भागने का ऑफर दिया था, मैं खुद ही मुकर गया। मेरे को भागने का शौक नहीं है नहीं इतना, इसी वजह से मैं क्रिकेट भी जब खेलता था सिर्फ चौके और छक्के मारता था ताकि भागना ना पड़े। मैं एक बार बचपन में भागा था, मुझे याद है, प्रॉपर याद नहीं, लेकिन मिश्रा जी की बेटी की शादी थी, मैंने दूल्हे की नकली टांग चुरा के भाग गया और मिश्रा जी ने जर्मन शेफर्ड छोड़ दिया मेरे पीछे। मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन घर वाले बताते हैं कि मैं उनके घर से 32 किलोमीटर दूर अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था मैं। एक मेरी बीवी का फोन आ गया, दूसरी वाली लव मैरिज वाली। हेलो, हाँ जानू। हाँ बीवी बोलो ना। नया फ्लैट ले लिया तूने? पैसे वाली है। हाँ कहाँ लिया? चिंचोली बंदर। वाह, कौन सी बिल्डिंग में? अब सारा शहर छोड़ के तेरे को वही मिली थी क्या? चल ठीक है, आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ अभी मैं घर पे। एक तो बेड़ा गर्क सही कहा किसने, लड़कियों को अकल नहीं होती। जहाँ मेरी पहली बीवी रहती उसके बगल वाला फ्लैट ले लिया, बेड़ा गर्क। अब मैं क्या करूँ? ओ माय गॉड, हे भगवान, अब क्या होगा, बचा ले मुझे। जब आती पैरों को पड़ती क्या है? अरे अरे, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके पैर छू रही थी। ये औरतों को मांगने का बहाना ही चाहिए, आशीर्वाद लेना है। वैसे भी हर औरत का धर्म होता है कि अपनी पति के चरणों में पड़ी रहे। चरणों में रहना? तेरा बाप क्यों शादी से पहले पूछ रहा था फ्लैट के कितने कमरे हैं? उसको बोल दी चरणों में रहना है। तेरा मुंह जुराब जैसा, तू सही रहती चरणों में। हाँ बाबा ठीक है, छोड़ो बेकार की बातों को। ये बताओ खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाएगी तू? ऐसे पूछ रही जैसे पिछले हफ्ते बड़ा माल पुआ खिलाया थे मेरे को, नूडल ला के दिए मेरे को, एक केंचुआ जिंदा भाग रहा था उसमें। मैंने कहा ये क्या है? कहती आई एम सॉरी, मेरी गलती नहीं, बस यही नहीं भरा, बाकी 12 तो नूडल उबलते ही घुल गए थे बीच में। आप ना हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी मेरे साथ पति जैसा व्यवहार नहीं करते। कितने महीने हो गए हमारी शादी को, आपने आज तक मुझे एक फिल्म नहीं दिखा दी, कम से कम एक कॉमेडी फिल्म दिखा दो। तो अपनी शादी की फिल्म देख लेना, वो भी तो कॉमेडी थी। साला शादी मेरी, मैं लीड में जीजा इसका, बारात की एंट्री हुई इसका जीजा, कोई खाना खा रहा वहां पे जीजा इसका। मेरे को तो ये टेंशन नहीं, साला कहीं फेरों पे भी ना बैठा हो, कोई धोखा दे गया कमबख्त, जहां होना चाहिए था वहां बैठा नहीं। मेरी जीजा के बारे में ना आप कुछ भी मत बोलिए, बहुत प्यार करते मेरी दीदी को, पता है 4 साल हो गए उनकी शादी को और 3 बच्चे भी हैं। 4 साल हो गए, 3 बच्चे ने, 1 साल तो वो भी नाराज ही रहा ना। अबे कहां नहीं होती लड़ाइयां, इसलिए तेरे को कहता हूं ये फिल्मों विल्मों का चक्कर छोड़, जैसी आजकल की फिल्में आ रही ना, इससे अच्छा तो बंदा किसान भाइयों की चौपाल देख ले। अच्छी फिल्म देखनी तो इंतजार करो, मैं भी तो कर ही रहा हूं ना। हां वैसे बात तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसा पति पाकर तो मैं धन्य हो गई, आप ना बिल्कुल सलमान खान जैसे लगते हैं। कोहनी मार के ना नाक तेरा परे तोड़ के रख देना मैंने। ये औरतें इतनी झूठी होती ना, सलमान जैसे लगता है, हेयर स्टाइल छोड़ दे, स्माइल छोड़ दे, बॉडी छोड़ दे, बाकी क्या मेरे में सलमान जैसा। अब नाश्ता वास्ता बना जाके। ओके तमीज औरत। जानू जानू आगे तुम जानू, सदा सुहागन रहो। देखा, हमेशा अपने मतलब की बात करना, आशीर्वाद भी वही देते हैं जिसमें इनकी उम्र लंबी हो। वो डार्लिंग तो समझ नहीं बैठो, तुम लोगों को आशीर्वाद की क्या जरूरत है, औरतों की तो वैसे ही उम्र बड़ी लंबी होती है, लाखों में एक आधी मरती, वो भी एक्सीडेंटल। वैसे तुम लोग कितनी कितनी देर तक जीती रहती हो, बंदे ही मरते हैं बेचारे। क्यों डार्लिंग, बीवियां जल्दी मरती क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बीवियां नहीं ना होती। तुम ना मुझे
बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं डार्लिंग आई लव यू, मैं क्या यार तुम्हें, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था मैं तुम्ही से शादी करूंगा। मैं इतनी अच्छी लगी थी, मर्सिडीज में कौन नहीं अच्छा लगता। अरे आई एम जस्ट कीडिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू टू। अच्छा बताओ अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा 50-60 साल बाद। ये तुम मरने मराने वाली बातें क्यों करती हो? प्यार करना, आई लव यू। ये कहां रह गए, अभी तक नहीं आए, अभी फोन करती हूं। हेलो, हां कहां रह गए आप, अभी तक नहीं आए, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया, ठंडा हो रहा है। अबे चंदू तूने नाश्ता बना दिया, साली शेफ की बेटी, इतनी जल्दी नाश्ता बना दिया। हां ठीक है आ रहा हूं, आ रहा हूं। जानू मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अपने हाथ से बना के चाय पिलाऊं गर्मा गर्म। Oh, how sweet. Sweet नहीं, no sugar darling, sugar नहीं maintain कर रहा। मैं भी दूध लेके आता हूँ, ठीक है? Okay, हाँ, इधर ही रहना, ठीक है? अरे ये क्या, आपने अभी तक नहाए नहीं? मेरे को नहीं नहाना, मेरे को सर्दी लग रही है। सर्दी? लेकिन आज तो कितनी गर्मी है। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल ठंडे की, ऊपर डालता अब तेरे को पता चले। लेकिन पानी की बोतल निकाल के मैं क्यों डालूं? तो फिर मैं गलत नहीं हो जाऊंगा? चल के नाश्ता बना, पहले सर दर्द हो रहा है मेरा। हे रब्बा, लाइए आपकी मसाज कर देती हूँ। पिछड़ जा 24 घंटे इनको यही बातें आती हैं, मालिश कर दूँ, तेल कर दूँ। सारा शादी में भी सब्जियों में तेल ही तेल घूम रहा था, इतना तेल तो ईरान के कुआं में नहीं जितना इनकी सब्जियों में था। हेलो डार्लिंग, तुम दूध लेने गए थे, कहाँ रह गए? हाँ जानू मैं अभी आ गया, कि बस आ गया मैं। ओके आप बैठो वहाँ। ये किसका फोन था, किसको? जानू, जानू किसको बोल रहे थे? जानू नहीं, मेरा दोस्त भानु, भानु प्रताप, उदयपुर वाला। घर में दूध है? हाँ जाओ ले जाओ बोतल में। हाउ स्वीट, इतने बड़े होकर बोतल में दूध पीते हैं। तो क्या जाकर डायरेक्ट भैंस के थन को मुंह लगा लूं मैं? आदमी को चाय पीनी होती होटल जाता ना। हाँ। ये थोड़ी शाम जाके पत्तियां तोड़नी शुरू कर दे। तो घोड़े जैसी शक्ल तेरी ऊपर से हर बात में बहस करती है, ले जाके दूध ले गया। यही से उठा के दे दे, टाइम क्यों ले रे? ये लो, जाके अंदर तैयार हो, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तुमने दूध लाने में कितनी देर कर दी? मैं ऐसे जानू बस ऐसे, चाय पीने का मूड भी खत्म हो गया। क्या बात कर रही हो? कोई बात नहीं, पापा तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए खीर बनाएंगे। नहीं खीर नहीं खाना। तो क्या अच्छा है? एक काम करो, तुम ना मेरे लिए पिज्जा बनाओ। पिज्जा? दूध से पिज्जा मैंने कभी बनाया नहीं। अच्छा अभी जब पिज्जा खाते वो सफेद सफेद गिरता दूध होता है वो? नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे आज ऐसा कुछ खिलाओ जो मैंने पहले कभी नहीं खाया है। मुक्का खा लो फिर। आलू मटर की सब्जी बनाओ, आलू मटर की। नहीं आलू मटर मैंने कई बार खाया है। कई बार क्यों खाया? थोड़ा कम बनाया करो, इतना बनाती हो क्यों बार बार खाना पड़ता है? सुनो मैं तुम्हारे लिए गंदा करी बनाऊं? गंदा करी? मैंने अंडा करी सुना है, लेकिन ये गंदा करी क्या होता है? वही होती है लेकिन मेरे से ठीक बन रही है, थोड़ी गंदा करी हो जाता है। ठीक है बनाओ, लेकिन ज्यादा मत बनाना। अरे ज्यादा बनती नहीं है, छिपकली के अंडे की बनानी, इतने देर में होते हैं। नहीं रहने दो, हम एक काम करते हैं कि हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तब तक तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? ओके ओके। अरे आ गए आप, मैंने ना आपके लिए छोले भटूरे बनाए हैं। चपेड़ मार रही मुंह पे। छोले भटूरे बनाए तूने? जाके खा भटूरे, मेरे को नहीं खानी फूली वाली चीजें। क्या आपको फूली हुई चीजें पसंद नहीं? नहीं। हे भगवान, फिर मैं माँ कैसे बनूंगी? ये गवार औरतें ना शादी बाद में होती, पहले फूल लगी पड़ जाती इनको। जा दफा जा जाके। कौन है? जा देखता हूँ मैं कौन है बे। Hello there, hi, hasta la vista, my name is John and I just wanted to say that if this is the... कोई साबुन नहीं चाहिए, दफा जा। No, excuse me, there seems to be a mistake, I just wanted to know, is this flat number 1302? ये भी नहीं चाहिए, चल दफा। थोड़ी सी भगवान शक्ल का ठीक देता है, अंग्रेज समझ लगते हैं, आगे से बैल बजानी पूछ के बजानी, समझे? चल निकल यहां से। एक्सक्यूज मी, बड़े बदतमीज इंसान है आप। अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। अगर फुलटू बदतमीजी पे उतर आया ना, बाहर जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही हो, नंगा होके नाचूंगा यहाँ पे। बताओ बताओ कौन है जी? कौन है? कौन है जी? तेरे को क्या लेना देना कौन है बे, सो जाके। जान मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे बात मत करो। I'm sorry darling, ऐसे लेट हो जाओ। जाओ दरवाजा खोलो। अबे कौन है बे? What a madhouse this is! Wow. Oh my God! क्या कर रहा है?
How dare you call him Sala? He's my husband. मैं साला बोला मेरे को साला बोला. Yeah yeah अभी वहाँ पड़ोस वाले फ्लैट में छुप रहा था. I saw him. अरे क्या बात कर. हमने कच्चा नहीं डाला तो सूखने. उड़ के उधर चला गया. मैं तो लेने गया था. झूठ बोलता है. कोई कच्चा उड़ के ये वही कच्चा सुखाता है. अब जहाँ पे गीला आता है वही पे सुखाऊंगा. एक मिनट. मेरी कजन सिस्टर रहती उधर. कजन सिस्टर मतलब मेरी ननद हमारे पड़ोस में रहती है. तुमने कभी बताया नहीं. मैं अभी कच्चा लेने गया ना तो गिरा हुआ था. मैंने उठाया तो नीचे से निकली. मेरे को भी नहीं पता था. शूट बॉल रही है. मैं अभी अभी तुमको दिखाता हूँ. चलो मेरे साथ. नहीं नहीं अरे चलो. अरे मैं नहीं जाना. पता जाऊंगा. चलो इधर. मैं अभी दिखा रहा हूँ. यहाँ पर दिखा रहा हूँ. जॉन पुष्पा. जॉन पुष्पा. जॉन स्टॉप इट. तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो. नहीं नहीं मैं नहीं जानती इसे. एक सेकंड. तो तूने इसका नाम कैसे बोला. उड़ता बे जैकी चैन. क्या चक्कर है ये. Well actually Mary Bebe क्या. ये तुम्हारी बीवी है तो इसकी क्या है. नहीं नहीं एक्चुअली ये मेरी बीवी थी. फिर मैंने इसे तलाक दे दिया. अब ये इसकी बीवी है. क्या क्या कहा इसने. जब सुना नहीं तो थप्पड़ क्यों मारा मेरे को. तू और तू बड़ी पतिव्रता कौवा के अंडे पीने वाली औरत. तू बड़ी पतिव्रता बनती पड़ती. ये क्या. तुझे भी आजी आना था. तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम पहले से शादीशुदा हो. और मैं मुझे खांसी थी. मुझे याद नहीं रहा. जिंदगी तो तब बर्बाद हो जाती जब हमें मालूम नहीं होता और हम शादी नहीं करते. क्या. एक मिनट. हम तीनों की तो दो दो बनती. तूने किस चक्कर में की बे. चल दबा जा. आज से हम सारे भाई बहन. ठीक है कोई लड़ाई नहीं. ओके साथ में रहेंगे. आ जाओ आ जाओ. तो जजेस कैसी लगी आपको कपिल की दोनों बीवियां. अर्चना ये क्लासिक कॉन्सेप्ट है. घर वाली दूसरी. इट्स टिपिकली अ सिटकॉम. अ सिचुएशनल कॉमेडी. मुझे बहुत पसंद आया कपिल आपका वो अंदाज कि वहाँ श्वेता के साथ अलग और मुबीन के साथ जो अंदाज आपने अजमाया ना जिसमें यही था ज़्यादा दूं क्या मुक्के के साथ. हम लोग वायलेंस टुवर्ड्स वेमेन कभी इंडोर्स नहीं करते. ये सिर्फ कॉमेडी में अच्छा लगता है. लेकिन जो भी आप चारों ने किया बहुत अच्छा. बहुत 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 अच्छा था. थैंक यू आरजी. सुहेल मैं इसको एक्ट बोलूंगा नहीं. आई थिंक इट वाज अ स्किट एंड इट वाज अ फैबुलस स्किट. इट वाज अ एंटरटेनिंग एक्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. एब्सोल्युटली फैबुलस. थैंक यू सुहेल. तो जजेस आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे. 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ द जजेस. आपका और हमारा ये रिश्ता ऐसे ही कायम रहेगा. हम हंसाते रहेंगे. इंडिया हंसता रहेगा. ओनली ऑन सेंटर फ्रेश ड्यूइंग ऑन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.